सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, अब मान लीजिए एक एटम है कोई भी, तो अब उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जैसे ये एटम है, तो अब एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो अलग अलग एटम के अलग अलग ढेर सारे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिससे अब अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनके ढेर सारे सेल होंगे। जैसे ऐसे ढेर सारे सेल, इसको सेल बोलते हैं। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है तो ढेर कई सारे सेल होंगे। तो अब हर सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को इस सेल में भरने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये टू मेथड से निकाला जाता है, पहला टू एन स्क्वायर मेथड से, दूसरा SPDF वाले मेथड से। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, n की पहला ऑर्बिट है कि दूसरा है तीसरा है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n की जगह ऑर्बिट की संख्या बढ़ते हैं। तो अब ये पहले वाले जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानने, पहले मेथड के अकॉर्डिंग ये जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला, यदि तीन रूल फॉलो करता है तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। यदि तीनों रूल में से कोई एक रूल नहीं फॉलो करता है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकाला है वो गलत है। तो पहला फर्स्ट रूल है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसी ऑर्बिट में वो 2n² के बराबर होंगे। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और दूसरा रूल ये है कि लास्ट वाले ऑर्बिट में, जैसे ये एटम है इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। तो इसमें ये रूल क्या है, लास्ट वाले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। कब नहीं रह सकते, यदि इनके पिछले वाले ऑर्बिट इनकम्प्लीट हो, यानी कि इनकम्प्लीट नंबर में इलेक्ट्रॉन भरे गए हों। और यदि कम्प्लीट नंबर में भरे हैं तो दो से ज्यादा हो सकते हैं, आठ से ज्यादा नहीं हो सकते। तो तीसरा रूल क्या है कि यदि अंदर वाले ऑर्बिट कम्प्लीट इलेक्ट्रॉन भरे हों तो जो बाहर वाले ऑर्बिट में दो से ज्यादा भर सकते हैं, और आठ से अधिक नहीं, आठ के बराबर यानी कि अप टू टू, दो से हम ज्यादा भर सकते हैं लेकिन आठ से कम, आठ या फिर आठ से कम इतने भरे जा सकते हैं। कब, जब इसके पहले वाले ऑर्बिट कंप्लीट भरे हो तब दो से ज्यादा भरे जा सकते हैं। दो से ज्यादा कितने, आठ तक भरे जा सकते हैं, आठ के बराबर, आठ से ज्यादा नहीं। तो ये तीनों रूल को यदि फॉलो करेगा तभी ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। चलिए आए भरने के तरीके को बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लीजिए। आप एटॉमिक नंबर के बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एलिमेंट्स के बारे में पीरियोडिक टेबल में, तो यही सीरियल वाइज आपको याद करने होंगे। जैसे एक से बीस तक याद कर लिए, तीस तक जहाँ तक आज याद कर सकते हैं वहाँ तक याद कर लीजिए, आप ही के लिए बेटर है। तो हम एक से बीस तक बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। तो ये सब दिख रहा है, सिंबल है। तो एटॉमिक नंबर में क्या होता है, जैसे कि किस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। हीलियम है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम है तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, बैरियम है तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है यानी इसमें चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम कौन से, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे करके जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कभी कभी उससे ज्यादा कम होते हैं, वो आइसोटॉप पे डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोजन का भरना है, तो हाइड्रोजन का क्या है, H। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जैसे ऑर्बिट है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² के बराबर। तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट n में कितने होते हैं, तो देखिए 2 की जगह 2 × 1p² = 2। सेकेंड वाले ऑर्बिट में कितने होंगे, यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 × 4 = 8। वही तीसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, ये तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे चौथे ऑर्बिट में कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो ऐसे करके पहले ऑर्बिट में दो से ज्यादा नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, तीसरे ऑर्बिट में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चौथे ऑर्बिट में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो जैसे हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये पहले ऑर्बिट में आएगा। पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये 1 होगा, जैसे ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे। यहाँ क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। और हीलियम का है, तो हीलियम को पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा हीलियम का 1 2 2 ऑर्बिट में होगा, ये इसके अंदर का मटेरियल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हम बस इसे गोल एक सर्कल करके दिखाते हैं, प्रोटॉन इसमें नहीं गिनते, इलेक्ट्रॉन ही दिखाते हैं। और जैसे अब लिथियम का कितना आता है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अब पहला ऑर्बिट हो गया, पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो 2 भर दे रहे हैं। अब तीसरे ऑर्बिट में, अब 2 से ज्यादा नहीं रह सकता, अब यानी तीसरा ऑर्बिट बनाएगा, तो ये तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लिथियम का हो गया। उसी तरह बेरिलियम का है, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तब देखिए इसका तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे इसका भी होगा, पहले में 2 आ जाएंगे, अब 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, अब अगला ऑर्बिट बनाएगा, अब इसमें 2 2 4 हो गया, तो ये बेरिलियम का है। उसी तरह बोरान का है, बोरान का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंटेन करता है, तो ये हुआ 2 पहले आ गए फर्स्ट वाले ऑर्बिट में। अब दूसरा ऑर्बिट बनाएगा, तो दूसरे ऑर्बिट में कितने हैं, 3 है, 3 हो जाएंगे, जितने बच्चे हैं 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह कार्बन का है, कार्बन तो पहले वाले ऑर्बिट में 2, अब दूसरे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, तो कार्बन का 6 होता है, तो 2 हो गया, अब 4 और भरना है, 1 2 3 4, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तब इसे ऐसे डिनोट करते हैं, तो अब एग्जाम में आता है, एग्जाम में आप बेसिकली बात करें तो आप सिंबल नहीं बनाएंगे, उसको फिगर नहीं बनाएंगे, डायग्राम सिंपल चीज को, जैसे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, तो पहले ऑर्बिट में 2, अब कॉमा, अब उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, तो ये 2 लिख देंगे। उसी तरह बोरॉन का, तो बोरॉन का करना है, तो पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाद 3 भरेगा, तो ऐसे फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरने का तरीका होता है ये। कार्बन का उसी तरह, कार्बन का कितना होता है, पहले ऑर्बिट में 2 आ गया, दूसरे ऑर्बिट में 4 आएंगे, 4 5 6 हो गए 6, तो कार्बन का भी आएंगे। अब निकालते हैं सोडियम का, सोडियम का कितने आता है, 11 नंबर पे आता है, तो सोडियम अब देखिए पहले में 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे ऑर्बिट में इस, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 11 माइनस 2 9, तो अब 9 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे। सेकेंड वाले ऑर्बिट की क्षमता 8 है, यानी 8 से ज्यादा नहीं रख सकता, 8 रख सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं, तो हम इसमें 8 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 और ये 10, अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तब ये एक और ऑर्बिट बनाएगा, इसमें होंगे 10, तो ये सोडियम का होगा, यानी सोडियम का क्या हुआ, 2 8 1। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, तो आइए भरते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का 13 पे आता है एल्यूमिनियम, तो पहले में 2 भर गए, दूसरे में ऑर्बिट में देखें तो इसमें 8 भर गए, 5 6, अब 8 2 10 हो, 3 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए, तो अब एक तीसरा ऑर्बिट बनाएगा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये एल्यूमिनियम का हो गया, यानी इसका क्या हुआ, 2 8 3, तो ये एल्यूमिनियम का हो गया। तो उसी तरह अब आप निकाल सकते हैं सबका, तो अब इसमें वैलेंसी भी निकालते हैं, वैलेंसी का एक ट्रिक इससे आता है, तो आप वैलेंसी एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जैसे कि वैलेंसी मतलब कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो हमेशा स्टेबल होने का सोचता है, स्टेबल यानी कि उस कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कंप्लीट मात्रा में। जैसे कि अब मान लीजिए बेरिलियम है, तो अब इसको इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि अब सेकंड ये पहला ऑर्बिट तो इसका कंप्लीट है, दूसरा ऑर्बिट देखिए, अब दूसरे ऑर्बिट में इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट है, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 ही है, तो
तो अभी ये क्या करेगा, छह कहीं से गेन करेगा या फिर दो लॉस करेगा। तो दो लॉस करना आसान है, तो इसका वैलेंसी हो गया टू, तो टू क्या हो गया प्लस टू, क्योंकि ये लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यानी प्लस टू। तो उसी तरह बोरॉन का देखिए, तब ये कहीं से पांच गेन करे या फिर तीन लॉस करे, तो तीन लॉस करना आसान है, तो इसका भी हो गया प्लस थ्री। तो उसी तरह कार्बन का देखिए, ये चार गेन करे या चार लॉस करे, तो इसका हो गया प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फोर इसका वैलेंसी हो गया। अब उसी तरह देखिए आप सोडियम का देख लीजिए, तो सोडियम का क्या है, ये पहला और भी कम्प्लीट है, दूसरा भी कम्प्लीट है, लेकिन तीसरा इनकम्प्लीट है। इसमें हो कितने होने चाहिए, अब मैंने आपको बताया था थर्ड वाले रूल में कि बाहरी जो बाहर का सेल होता है, बाहर का ऑर्बिट होता है, तो उसमें आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए, आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहने चाहिए। यदि आठ हुआ तो स्टेबल हो जाता है, तो इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सात इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सात कहीं से गेन करे या फिर एक लॉस करे, तो इसे इसको एक लॉस करना इजी पड़ेगा, तो इसका सोडियम का वैलेंसी क्या हो गया एक। तो ये सब आप लोग को समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये सेकंड वाले रूल का कहाँ इस्तेमाल होगा, इसका भी होगा, चलिए ये बताते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम हो गया, सबका इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग कन्फिग्रेशन कर लिए हैं। अब तो आइए पोटेशियम का निकालते हैं, तो पोटेशियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है, 19, तो ये 19 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो आइए इसको भरते हैं, तो पहले ऑर्बिट में दो हो गए, सेकेंड वाले ऑर्बिट में आठ हो गए, चार पाँच छः सात आठ। अब तीसरा ऑर्बिट में कितने हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, आठ दो दस, दस इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, और कितने भरने हैं, नौ इलेक्ट्रॉन। तो अब थर्ड वाले ऑर्बिट की क्षमता कितना है, 18 है, तो ये 18 नहीं भरेगा, 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें 9 इलेक्ट्रॉन ही भरेगा, 9 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। तो अब थर्ड रूल क्या कहता है कि किसी बाहरी ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो आठ होंगे तो क्या स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले आठ भर देते हैं, क्योंकि ये आठ भर गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये रूल समझ आया है, किसी बाहरी ऑर्बिट में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने भर चुके हैं, आठ आठ सोलह सत्रह अठारह इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो अब ये क्या करेगा, एक अलग एक और ऑर्बिट बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट हो जाएगा, 19 हो गए 19। तो अब ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। तो उसी तरह निकालते हैं कैल्शियम का, तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं जो कि क्लियर हो जाएगा ये वाला चीज, यदि नहीं क्लियर हुआ रहेगा। कैल्शियम का देखिए, तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो हम बना दे रहे हैं, एक दो, दो भर चुका दूसरे ऑर्बिट में, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ दो दस, तीसरे ऑर्बिट में, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अभी आठ से ज्यादा नहीं भरेगा, एक और ऑर्बिट बनाएगा। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं, आठ आठ सोलह सत्रह अठारह, अठारह इलेक्ट्रॉन भर लिए, दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए भरना है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो अब ये आप लोग को समझ आ गया होगा, तो अब इसका वैलेंसी निकालते हैं, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, एक होगा, क्योंकि अब ये कहीं से क्या करे, ये चौथा ऑर्बिट है, तो ये इसमें मतलब चौथे ऑर्बिट से नहीं, ये इसको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, सात इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ना बाहरी वाला आठ हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये सात इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो इसको लॉस करना सबसे ईजी होगा, क्योंकि लॉस करेगा तब ये बाहरी ऑर्बिट आठ हो जाएगा, तो आठ होगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी क्या होगा, ये लॉस करेगा प्लस वन, तो ये लॉस करने इसको इजी होगा पोटेशियम का, तो पोटेशियम का वैलेंसी प्लस वन। उसी तरह कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम का हमने क्या भरा था, 2 8 8 2 ये भरा था, तो अब इसका वैलेंसी क्या होगा, प्लस टू। क्यों होगा, क्योंकि ये छः इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करे या फिर टू लॉस करे, तो ये लॉस करना ईजी पड़ेगा इसे, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, दो हो गया। तो आइए हम निकालते हैं कुछ नोबल एलिमेंट्स का, तो चलिए हम नोबल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वह एलिमेंट्स जो स्टेबल है, यानी कि उनके लास्ट वाला ऑर्बिट एकदम कंप्लीट है। तो जितने सारे नोबल एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके बाहरी ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे हीलियम है,
तो हीलियम भी स्टेबल है लेकिन इसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है आर्गन है, तो आर्गन 18वें नंबर पे आता है। आर्गन सॉरी यहाँ पे सिंबल इसका गलत है, आर्गन का सिंबल होता है Ar होता है आर्गन। तो आर्गन 18वें नंबर पे आता है, ये नोबल है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो आर्गन तो इसका पहले ऑर्बिट में 2 हो जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8, 2, 10, अब इसे कितने भरने, 8 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तीसरे ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्योंकि यदि 9 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं तो एक और ऑर्बिट बनाना पड़ता है, लेकिन हमें 8 ही भरना है, तो 8 हम भर दिए। तब थर्ड वाला लॉ क्या करता है कि यदि किसी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो ये स्टेबल है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, अब इसे कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की जरूरत है, स्टेबल करने की जरूरत है नहीं ना। जिसे इसका पहले देख निकाल लेते हैं, 288 ये है। तो अब इसको ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना शेयर करेगा, तो अब इसका वैलेंसी क्या हो गया, 0 हो गया। और जिसका वैलेंसी 0 होता है वो नोबल एलिमेंट होता है। तो अब आते हैं निकालते हैं नियॉन का, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। नियॉन 10वें नंबर पे आता है नियॉन। तो अभी पहले ऑर्बिट में 2 हो गए, दूसरे ऑर्बिट में 8, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो भी हैं, तो क्या हुआ, 2, 8। तो लास्ट वाला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो ये नोबल हो गया। इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0, ना इसे गेन या लॉस करने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको समझ आ गया होगा, 2n² मेथड। तो अब आते हैं SPDF वाले मेथड से, SPDF मेथड स्टार्ट करते हैं। तो ये सब SPDF मेथड से भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो ये SPDF का ब्लॉक होते हैं, जैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो जैसे S ब्लॉक, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। P ब्लॉक, तो P ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसी तरह D ब्लॉक है, तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और उसी तरह यह ब्लॉक है, तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम। तो ये ब्लॉक हो गया SPDF। तो इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इसे डिनोट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भरा है। तो जैसे कि S ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसे मैक्सिमम 2, P ब्लॉक में मैक्सिमम 6, D ब्लॉक में मैक्सिमम 5 ना 10, और F ब्लॉक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। चलिए ये भरते हैं, जैसे S ब्लॉक है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे पहला ये तीर नीचे की तरफ रहेगा, दूसरे वाले में ऊपर की तरफ। तो पहले क्लॉक वाइज भरते हैं, जैसे कि P ब्लॉक हुआ तो इसमें भरते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पहला ऐसे भरते हैं क्लॉक वाइज, तब एंटी क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज कर रहे हैं 3, अब छठवां कहाँ आएगा, चौथा कहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवां, छठवां। तो ये भरने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉन का। तो आइए डी ब्लॉक में भरते हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब 6, 7, 8, 9, 10। तो ये डी ब्लॉक में, उसी तरह यह ब्लॉक, यह ब्लॉक में भी भरते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ऐसे भरते हैं, पहले ऐसे, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाले से। तो ये इतने सारे यस ब्लॉक में आप जान गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते, कम भरे जा सकते हैं किसी भी ब्लॉक में। यानी इसका रेंज क्या है, ये 10 इलेक्ट्रॉन ही कंटेन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम रख सकता है, या उसके बराबर, 10 के बराबर, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो आप इस मेथड के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भरा कैसे जाता है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को भरने में, तो SPDF मेथड से करते हैं। तो सिंपल से आप याद करने का तरीका होता है,
लिख दीजिए एस पी डी एफ। अब यस के नीचे नंबर लिखते जाइए, इट्स अ 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब पी में जस्ट 1 को छोड़ के यहाँ से 2 से लिखिए, 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट में भी छोड़ दीजिएगा बस 7 तक। अब डी में अब इसके भी नीचे 2 के भी नीचे क्या है 3 है, तो 3 4 5 6 इसके जस्ट एक छोड़ के। अब उसी तरह एफ में अब 3 को छोड़ के 4 5 इसको भी छोड़ के। तब ये मेथड जान गए, ये लिखते हैं ऐसे। तब देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे तीर लगा देते हैं, कट करते हैं, ऐसे कट कर दीजिए, सिंपल सिंपली ऐसे कट कर दीजिए आप, कट हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अब ऐसे सिंपल से आप कट किए हैं, यहाँ एरो लगा दीजिए ताकि समझने में आपको आसानी हो। तब देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे भरा जाता है, ऐसे आता है, ऐसे डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से आता है ऐसे करके, फिर अब धीरे यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से आता है। तो समझ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर उसी तरह यहाँ से, फिर उसी तरह यहाँ से भरा जाता है, आते आते यहाँ आता है, फिर यहाँ से भरा जाता है, फिर यहाँ से। तो ऐसे करते करते यहाँ खत्म होता है, फिर यहाँ से। अब समझ गए इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाता है, पहले यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भर देंगे, फिर अब इलेक्ट्रॉन खत्म, फिर यहाँ से भरेंगे, फिर यहाँ से, वो आगे आपको समझ आ जाएगा। बस ये जान गए इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाता है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे हाइड्रोजन को भरना है, तो हाइड्रोजन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है, 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो अब हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो अब इसके लिए क्या चाहिए, पहला ब्लॉक क्या है, यस। तो यस में पहला ये आता है फर्स्ट, यानी कि 1s लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, 1s क्या है, ये 1s हुआ ना, देखिए s ब्लॉक है तो पहला नंबर 1s। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक, तो यहाँ ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। और ये क्या होगा, अब इसको दिखा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन भर लिए, तो ये हाइड्रोजन का होगा। तो अब उसी तरह हीलियम का देखिए, हीलियम को कितना भरना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो हीलियम तो पहला क्या है, 1s, s ब्लॉक का क्षमता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, तो इसमें भी हो जाएगा 1s लिखेंगे, कितना भरना है, 2 ही भरना है, तो इसका भी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दूसरा ऐसे। उसी तरह लिथियम का देखिए, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 3 होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ये कंटेन करता है लिथियम, तो इसका देखिए पहला हो जाएगा 2 1s। अब क्या होगा सेकेंड वाला, 2s, देखिए यहाँ से गया, फिर यहाँ से आए यहाँ पे, 2s, देखिए 1 फिर 2s, उसके बाद 2s हुआ ना, देखिए यहाँ समझिए बड़ा ध्यान से देखिए, 1s हो गया, इसमें 2 भरा गया, अब एक इलेक्ट्रॉन और भरना, तो कहाँ जाएगा, इस वाले ब्लॉक में 2s में, यानी 1s, इसमें 2 भरा गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा 2s, इसमें एक भरना है। जगह कितना है, ये 1 2 3 4, ये नंबर नहीं, ये सब नंबर है, मतलब दिए जाते हैं ब्लॉक को याद रखने के लिए। तो अब 1s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, 2s, इसमें भी 2 भरा सकते हैं, लेकिन हमें 1 की जरूरत है, तो 1 लिखेंगे, तो इसका क्या होगा, 2s ब्लॉक बना लेते हैं, तो इसमें 2 भर गया, और इसमें ये लिथियम का हो गया। उसी तरह कार्बन का, तो कार्बन के 6 होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो क्या होगा, 1s, 2 हो चुके, 2s, 4 हो गए। अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से जाते जाते अब 2p आ जाएगा, देखिए ऐसे गए 1s आया, फिर ऐसे गए 2s आया, फिर ऐसे गए तो 2p आ गया, तो यानी कि 2 2 4 4 हो गए। और इसकी क्षमता क्या है, p ब्लॉक की 6 है, तो लेकिन हमको कितने भरने हैं, देखिए 2 यहाँ लिख देते हैं, 1s 2s, तो इसमें कितने हमारे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो 2 2 4 हुए। अब कितने हमको भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तब क्या होगा, पी ब्लॉक आएगा, देखिए ऐसे गया, ऐसे 1s आया, 2s आया, उसके बाद यहाँ 2p आ रहा है, तो यहाँ पे 2p लिखेंगे। तब देखिए यहाँ पे इस 6 भरने हैं, तो 2 इसमें भरा जाएगा, 2 इसमें और 2 इसमें, इसके क्षमता क्या है, 6 भरने का है, लेकिन हमें 2 ही ना भरना है, तो अब बना लेंगे 2,
तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर लिए, दो इसमें भी दो भर लिए, और इसमें कितने भरने हैं? दो भरने हैं, एक और एक दो। मैंने बताया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब ये खत्म हो जाता है, तब नीचे से भर, तब यहाँ से भरते हैं। तो दो हम भर लिए तो हो गया एक कार्बन का। तो अब उसी तरह आते हैं सोडियम के, तो सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो सोडियम को 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं सोडियम के, तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो क्या आएगा? पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। ये पी ब्लॉक की क्षमता कितनी है? 6 है, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए ना। देखिए 2, 2, 4, 4, 6, 4, 10। उसके बाद ये ब्लॉक आएगा, देखिए 1s, 2s, 2p, 3s। यहाँ लिख देते हैं 1s, 2s, 2p, 3s। तो हम ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं? इसमें दो आ जाएंगे, इसमें दो आ जाएंगे, और इसमें 6 आ जाएंगे। तो 2, 2, 4, 6, 6, 10 होंगे। और इसमें कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि ये यस ब्लॉक है। लेकिन हमें कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। देख लीजिए कैसे 2, 2, 6, 1, 6, 4, 10, 11 भरने कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। तो एक हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन? देखिए दो ब्लॉक बना लिया है, हो गया। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4, 5, 6 भर लिए। इस ब्लॉक में 1 ही भरना है, तो 1 भर दिए। तो ये ऐसे भरा रहता है। उसी तरह सोडियम का, अब उसी तरह आते हैं फास्फोरस पे। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 होता है, तो यानी ये 15 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो फास्फोरस का पी, फास्फोरस का भरना है, तो 15 भरना है, तो कैसे भरेंगे? तो 1s, 2s, 2p ऐसे करते जा रहे हैं। तो 1s ये 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, तो 1s हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके पास 2s, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, भरा गया। तो उसका 2p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6, 4, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमें भरने कितने? 15 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। देखिए 1s, 2s, 2p, उसके बाद 3s, इसकी क्षमता क्या है? 2 है। अभी हमें 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब 3s के बाद क्या आता है? देखिए 3p आता है, देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, उसके बाद 3p आता है ना, देखिए 3p, देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। तो लिखे हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। तो 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 10, 2, 12 हमें भरने 3 है। पी ब्लॉक की क्षमता कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें भरने 3 ही है, तो इन हो गया 15। तो वैसे इसका बना लेते हैं, तो 2 इसका हो गया, 1, 2 इसका एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक का है। उसी तरह फिर एस ब्लॉक का, फिर पी ब्लॉक का। तो आइए इसमें भरते हैं 1, 1, 2। ये देखिए एस ब्लॉक के लिए है पी, नहीं ये भी एस है, ये पी है, ये भी एस है, और ये पी है। तो हमने 2 भर दिया है, इसमें 6 भर दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 2 भर दे रहे हैं। कितने हुए? 2, 2, 4, 6, 4, 10, 12 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1, 2, 3 भर दिए। तो ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो आप लोग को अब मेथड पता चल गया होगा SPDF से कैसे भरते हैं। तो आते हैं अब इसके, ये सब सेल के बारे में बता रहा था कि सब सेल है, ये सब ये ब्लॉक है सब सेल। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो भाई साहब ऐसे बता दिए कि ऐसे ऐसे भरा जाता है, लेकिन हमको इस टाइप में भरना है इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन का है, तो कार्बन का सी होता है, अब क्या होता है कार्बन का है, सिंबल सी होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे ऑर्बिट में 4, 1, 2, 3, 4 भर दिए। तो आप इसी चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मिटा दें, तो अब आते हैं भरते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं भर रहा हूँ नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भर दे रहा है 1s, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, उसके बाद 2p, तो इसमें कितने? 3 हो गए। देखिए 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7 भर ले, 7 हो गए नाइट्रोजन का।
तो क्या करते हैं, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अब देखिए इसका मेथड होता है, तो जैसे ये नंबर दिख रहा है 1 है, 2 है, 2 है, तो जो सेम नंबर है तो उसे अलग लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहला नंबर क्या आता है, फर्स्ट आता है, उसका सेकेंड थर्ड, तो पहला नंबर क्या है, फर्स्ट है, तो यानी 1 ईयर, फिर 2, उसके बाद फिर ये 2 है, तो ये इन दोनों प्लस करते हैं, 2 ईयर्स 2 प्लस P3, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो जैसे कि ये 2 हो गए, 2 भरा गए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या होगा, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये देखिए सेम है, 2 ये भी है, 2 ये भी है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5 ये नाइट्रोजन का होता है, 2 और 5 एन स्क्वायर मेथड से, तो अब इसको भरते हैं, नाइट्रोजन का 2 यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले आर्बिट में 5, 1 2 3 4 5, तो ये भरा चुके हैं। तो उसी तरह आते हैं हम सोडियम का, तो सोडियम का कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, यानी 11 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो भरते हैं 1 ईयर्स 2 होंगे, 2 ईयर्स 2, 2p 3 ईयर्स, तो इसमें देखिए कितने हैं, 1 हो गए, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 2 4 6 4 10, 1 11, 11 हो गए, देख लीजिए 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p 3 ईयर्स। तो अब आते हैं इसे भरते हैं, तो पहला सेम सेम भर लेते हैं, ये 1 है तो यहाँ 1 ईयर्स, अब यहाँ देखिए ये सेम है क्वान्टिटी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 2p, यहाँ 6 हो गए, अब यहाँ पे 3 ईयर्स हो गए, ये तो भरते हैं, तो यहाँ क्या होगा 2 6 प्लस 2 8, और यहाँ 1, तो ये सोडियम का होता भी है इतना, देखिए सोडियम का एन ए होता है, तो यहाँ 2 भर दे रहे हैं, 8 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक अगला ऑर्बिट 1 हो गया। ये उसी तरह हम निकालते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है कैल्शियम का, तो इसको भी भरते हैं, तो कैल्शियम का 20 होता है, तो भरते हैं, चलिए 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p 3 ईयर्स, तो देखिए कितने हुए, 2 2 4 6 4 10 2 12, कितने भरने हैं, 6, तो आइए उसके बाद चलते हैं 3p, तो इसमें कितने भरा जा सकते हैं, 6, और हमें कितना भरना है, 6 भरना है, देखिए तभी ना हो गए 20, 2 2 4 4 6 4 10 2 12 12 6 18, यानी अभी 2 और भरना है, सॉरी, तो 3p, उसके बाद 4 ईयर्स आता है, तो हो गया 20, देख लीजिए 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p 3 ईयर्स 3p 4 ईयर्स, तो अब इस 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 2 4 6 6 4 10 2 12 6 18 2 20, तो अब इसे भरते हैं, तो अब सेम क्वांटिटी अलग कर लेते हैं, जैसे 1 ईयर्स है तो यहाँ पे 1 ही ईयर्स है, हो गया कॉमन, अब इसमें 2 बार आ रहा है, देखिए 2 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, तो यहाँ 2 ईयर्स 2 प्लस 2p 6 हो गया, अब कहीं 2 नहीं दिख रहा, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अब अगले पढ़ेंगे, तो 1 हुआ 2 हुआ, 3 आता है, तो 3 ब्रैकेट में, तो 3 दो बार है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3s पे 2 प्लस 3p पे 6, अब उसके बाद अब 3 अब नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब 3 के बाद 4 आता है, तो 4 यहाँ लिखेंगे 4s, तब कितने हो गए इसके लिए टाइम कंफ्यूजेशन, तो ये हुआ 2 6 7 8 6 7 8 और 2 हो गए, तो ये इसका कैल्शियम का हो गया। तो अब आते हैं डिनोट कर देते हैं कैल्शियम का, तो यहाँ कर देते हैं कैल्शियम का सी ए होता है, तो ये 2 होंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद एक और, अब एक और 8 भराएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 2, तो 1 2, तो ये कैल्शियम का हो गया। तो अब आप लोग जान गए होंगे SPDF मेथड, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Tell me that you love me, even if it's